तो दोस्तों इस वीडियो में बड़ी अपडेट्स देखेंगे डीएलएड एडमिशन को लेकर। जी हाँ, यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें, आवेदन पर जो अंतिम फैसला होगा वो सरकार का होगा, ना कि पीएनपी का। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्या पीएनपी अपने मन से एडमिशन शुरू करा सकती है? क्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी को इतना भैया पावर मिला है? देखिए, डीएलएड का एग्जाम भी होना रहता है ना, ठीक है, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई पीएनपी के पास इतना पावर नहीं है बिना सरकार के अंतिम फैसले के एडमिशन शुरू हो, ठीक है। तो डायरेक्ट एडमिशन की क्या अपडेट है, एडमिशन का आदेश, हर एक अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए, काफी बच्चे मेरिट को लेकर सवाल पूछते हैं कि सर, और या काफी बच्चों का सवाल ये होता है कि कब से आवेदन शुरू होगा। एक तो मेरिट पर बनता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है हमारी, ठीक है। दूसरा सवाल आता है कि हमारी आवेदन कब से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया और लास्ट डेट क्या रहने वाला है। और देखिए दोस्तों, कुछ और सवाल रहता है कि जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी, इससे आपको फायदा नुकसान क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती है जहां पर बच्चों को फायदा होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे, देखिए काफी बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं फिर कहते हैं सर हमारे काम का तो कोई चीज ही नहीं था। तो यहाँ पर पहले जान लीजिए क्या क्या हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ बच्चों का सवाल रहेगा सीजीपीए से इसको परसेंटेज या नंबर में इसको कैसे बदलना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यूपी में जब वैकेंसी आई थी लास्ट टाइम 69,000, आपको बता दें इस भर्ती का विज्ञापन आया था दिसंबर का महीना था 2018, और इस वैकेंसी का एग्जाम हुआ था 6 तारीख थी, 6 जनवरी 2019 को, ठीक है। मतलब एक महीने के अंदर आवेदन भी होता है और एक महीने के अंदर ही डेट शीट सब कुछ आ गई थी। तो एक बड़ी वैकेंसी थी, पदों की संख्या थी 69,000 या 70,000 से 1,000 कम, ठीक है। इस वैकेंसी में कितने बच्चे पास हुए थे, क्या हुआ था, कैसे आरक्षण घोटाले की बात सामने आती है, आज योगी जी ने क्या कहा इसको लेकर देखिए, ठीक है। ये बड़ी बात है, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए। और देखिए कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं या ऐसे सवाल फेसबुक पर पूछे जाते हैं, जरा देखिए, ठीक है। बच्चे अलग अलग माध्यम से सवाल पूछते हैं कहीं ना कहीं कि ऐसा कोई कॉलेज है गाजियाबाद या मेरठ में जहां पर डीएलएड 35 से 40 हजार में हो जाए दोनों वर्ष का, जिसको पता हो बताए। तो ये सवाल दोस्तों सिर्फ मेरठ गाजियाबाद के लिए नहीं है, ऐसे बहुत से कॉलेज हैं पूरे यूपी में जहां पर आपको कम दाम पर 40,000 में हो सकता है कि दोनों साल का पैसा लगे और आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, अब हम लोग इसको भी जानेंगे, इसको क्रॉस चेक करिए। देखिए पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें, पिछले साल कितनी सीटें खाली थी, 70,100 सीट खाली चली गई थी। आप अंदाजा लगा लीजिए, जब इतनी सीटें खाली जा रही हैं तो कॉलेज वाले भैया कम पैसे पर आपको एडमिशन क्यों ना दे दें, ठीक है। कुछ तो पैसा मिलेगा उनको, सीट खाली छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा देखिए, सोचिए। एक और आपको बात बताएंगे इस वीडियो में जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उससे आप लोग कुछ और चीजें सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने आज आपसे एक सवाल पूछा था डीएलएड 2024 बैच में एडमिशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 80% बच्चों को लग रहा है कि भाई इस साल एडमिशन होगा, और पता नहीं पर 11% बच्चे हैं, और जिनको लगता है इस साल एडमिशन नहीं होगा वो 9% बच्चे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 551 बच्चों ने वोटिंग किया है, ठीक है। हर बात को कहीं ना कहीं से रिलेट किया जाएगा, और लाइक कितना किया, 22 बच्चों ने, मतलब 551 बच्चे तक ये पोस्ट पहुंचा, लाइक 22 बच्चों ने किया। वैसे दोस्तों जब आप लोग पता करने जाते हैं ना कॉलेज में, अब देखिए आप में से बहुत से बच्चे गए प्राइवेट कॉलेज में पता करने कि सर 2 साल में फीस कितनी लगेगी, कुछ कॉलेज वाले बताए होंगे आपको 41,000 पहले साल के, दूसरे साल के 41,000, अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते तो नॉट अटेंडिंग के अलग पैसे, ठीक है। ये कुछ कॉलेज में होता है, जो कॉलेज बहुत अच्छे से चलते भैया, जहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं, ऐसे हैं बीएड या बीटीसी के ऐसे कॉलेज, ठीक है। आपको बता दें बहुत जगह इस साल बीएड बहुत सस्ते दाम पर हो जाएगा, लेकिन बहुत जगह पूरा पैसा लगेगा। आप लोग उन्हीं कॉलेज में जाते हैं जहाँ पर पूरा पैसा लगता है, पता तो करिए। आपके जिले में एक कॉलेज थोड़ी नहीं है, लाइन लगी पड़ी है। बताइए, अगर आप लोग को अपने जिले के सारे कॉलेज का ही नहीं पता तो क्या पता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, अभी नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना तो वहां पर आपको सारी सीट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, किस कॉलेज में कितनी सीट है, कहां पर कितनी सीटें खाली जा रही हैं। तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, अभी आपको पता भी नहीं लगाना, तब हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे कॉलेज के नाम आपकी लिस्ट आपको दे देंगे, आप जाकर पता कर लीजिएगा। कहीं पर अगर सस्ते दाम पर हो ना वहां से एडमिशन ले लेना है, ठीक है ना। सरकारी कॉलेज के चक्कर में बहुत परेशान होइएगा कि भैया सरकारी कॉलेज में फीस लगती है मात्र 10,200 रुपए और प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख से ऊपर बिल बन रहा है। तो देखिए प्राइवेट कॉलेज वाले करते कैसे आपको बता दें,
अगर कोई कॉलेज कह रहा है कि हम 2 साल का आपसे सिर्फ 40,000 लेंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये होता है 40,000 तो आपसे पैसा लेगा, मान लीजिए पहले साल का 20,000 लिया, दूसरे साल का 20,000, बस ये आपको जेब से देना है। बाकी आप लोग की जो स्कॉलरशिप आएगी, वो कॉलेज वाले अगर पहले साल 41,000 मंगा लिए वो भी ले जाएंगे, दूसरे साल मंगा लिए तो वो भी ले जाएंगे, ठीक है। फिर आपका स्कॉलरशिप से कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये कॉलेज वाले अपना दिमाग लगाते हैं, ये समझना है आपको बस, कि किस बेस पर वो कम पैसे में आपका एडमिशन लेते हैं। नहीं तो बाद में आप कहेंगे अरे सर जी स्कॉलरशिप आ गई हमको पैसा चाहिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। कॉलेज वाले आपसे पहले पासबुक अपना जमा करा कर रखे रहेंगे। तो इन सब बातों का भी ख्याल आप तक होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो डीएलएड से और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हमें सीखनी है। आप लोग सोच रहे होंगे चलो डीएलएड कर लेंगे, उसके बाद हम कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे जहाँ से आगे चलकर हम टीचर बनेंगे। एक बात आज लिख कर रख लीजिएगा, कोई भी कोचिंग, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, किसी भी कोचिंग के 100% क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे, ठीक है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। कोचिंग करने से एक ये हो सकता है कि आपका मोटिवेशन बना रहे, रोज पढ़ने का मन करे, लेकिन ये नहीं होगा कि आप उनके पढ़ाए हुए सब कुछ उनका 100 का 100% रट्टा मार लीजिए, एकदम घोर के पी लीजिए, तब भी वो सारे क्वेश्चन फंसेंगे नहीं पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको आगे चलकर टीचर बनना है, किसी वैकेंसी में सम्मिलित होना है, तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। कुछ और भी बातें आपको सीखना चाहिए जी हाँ। यहाँ पर जो बच्चों के कमेंट्स आते हैं उसमें ये कमेंट नहीं आता कि हम कम पैसे पर कैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे हम फ्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। कहीं कहीं पर पूरी सीटें खाली जाती तो कॉलेज वाले कहते हैं आ जाओ भैया स्कॉलरशिप पर ही हम आपका एडमिशन ले लेते हैं। तो ये सब भी सोचना है, बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप में से कुछ बच्चे गए थे बता रहे थे सर हम गए थे वहाँ कह रहे थे क्लास नहीं करोगे तो नॉट अटेंडिंग का पैसा मांग रहे, बिल्कुल मांग सकते हैं, ठीक है। सभी से आप उम्मीद थोड़ी नहीं करेंगे, आप के मान लीजिए जिले में 100 कॉलेज हैं, आप 2-3 कॉलेज जाने से थक जाते हैं, कम से कम 100 में से 50 कॉलेज तक जाइए ना, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं पर भी होता 100 में से 4-5 ही कॉलेज ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो हर कॉलेज वैसा नहीं होगा, और जो कॉलेज वाले ऑफर भी निकालते हैं वो 100% बच्चों के लिए नहीं निकालते। अब मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, वो 100 की 100 सीटों पर ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे सब लोग अभी 20,000 पर एडमिशन लो, वो ये करते हैं कि 80 सीटें पूरे पैसे के साथ भरते हैं, 20 सीटें छोड़ देते हैं कि कम से कम कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनका भी फायदा हो जाए या जुगाड़ उनका लग जाए, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में कर दिया जाए कि क्या क्या कमेंट है। सर मेरा 244 नंबर बना, बिल्कुल आपका आराम से सरकारी कॉलेज मिलेगा, प्लीज़ सर बताइएगा। अगर 1 से 6 तक का निकालना है तो कैसे निकाले, रिजल्ट SGPA करके आता है। देखिए सबसे पहले आप CGPA को परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, परसेंटेज से उसको आप नंबर में निकाल लेंगे, ठीक है, ये प्रोसेस है। क्या ये देखिए आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना पड़ता है ना, कि आपको हर एक सेमेस्टर का अलग अलग। जैसे मान लीजिए आपका BA 3 साल का है, ठीक है, मान लीजिए फाइनल 6 सेमेस्टर में आपका आ रहा 80%, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ग्रेजुएशन 80% है। मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बना था भैया 85% बना था, दूसरे में 70 बन गया, तो इसका एक एवरेज निकलेगा, ठीक है। सर BA परसेंटेज का परसेंट कैसे निकालें, देखिए आपका जो भी टोटल नंबर है मान लीजिए 1800 नंबर को बता वो नीचे लिखेंगे, ऊपर मान लीजिए आपको 900 नंबर बना था 900 लिखेंगे, गुड़े में 100 कर देंगे, ऐसे आपका टोटल परसेंटेज आ जाएगा। 2 0 तो 2 0 18 95, तो ये हो गया हमारा 50% अंक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मेरा कमेंट का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। चलिए EWS का मतलब क्या होता है, EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे होते हैं, जैसे जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ताकि जब DLED का एडमिशन होगा तो आपको उसमें 10% का आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। आप रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं, बिल्कुल रिप्लाई तो देते हैं ना, कब तक आएगा फॉर्म, वेट करना है, सब्र करिए, अगस्त में उम्मीद है कि आवेदन शुरू हो जाना चाहिए। सर मेरा 192 OBC प्लस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है, देखिए PH कैटेगरी में चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है, सरकारी कॉलेज का। सर मेरा हाई स्कूल में 70 है, 12वीं में 82, ग्रेजुएशन में 82, अपने अकॉर्डिंग कॉलेज चूज कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल आप अपने मन से जो भी मन करें UP में DLED कॉलेज में एडमिशन लेने का वो आप ले सकती हैं। कब तक होगा, वेट करना है। सर मेरा DLED 2018-20 बैच था, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर करके छोड़ दिया। जी हाँ, एक बार देखिए कॉलेज में आप जाकर बात करिए, ठीक है, कॉलेज वाले चाहेंगे तो आपका करा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आपका एग्जाम होता है आप उसमें देखते होंगे BTC 2015-16 ऐसे बैच लिखा रहता है ना, तो ये वही बच्चे रहते हैं। अगर किसी बच्चे की 3 बार बैक लग गई तो 4था मौका वैसे भी नहीं मिलता, प्रत्यावेदन वाला मामला वैसे फंसा है।
सर मेरा 232 नंबर है एससी कैटेगरी से, गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल आराम से मिलेगा आपको। बीएससी फाइनल रिजल्ट पर सीजीपीए है, टोटल पॉइंट्स ये दिए, सीजीपीए को आप परसेंटेज में कैलकुलेट करके फिर वहाँ से नंबर निकालेंगे। सर मेरा ओबीसी कैटेगरी से 233 नंबर बन रहा है। जी हाँ, चांस आपका बनेगा, ठीक है, 233 नंबर अच्छे होते हैं। हाई स्कूल में 73, 12वीं में 69 और बीएससी में 86 है। एससी कैटेगरी है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा सर, ठीक है, एससी कैटेगरी है इसलिए आपका चांस बन सकता है, और मानना पड़ेगा आपका बीएससी में तो बहुत ही अच्छा परसेंटेज है। सर बीटीसी एडमिशन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी 2024 में, प्लीज़ बता दीजिए। अब अगस्त में ही उम्मीद लग रहा है भाई, एक आरटीआई डाल के यूनिवर्सिटी से पूछ लो। देखिए यहाँ पर सारा काम पीएनपी से होता है, और पीएनपी को भी अंतिम रूप से कुछ पता नहीं होता, एक बार ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग एडमिशन लेंगे तो आपको पता चलेगा, पीएनपी यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। ये नहीं कि भैया पीएनपी सचिव चाहता है कि कल से ही आवेदन शुरू हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सर मेरा हाई स्कूल में 83, 12वीं में 77, बीए में 72, ठीक है, चांस बन सकता है। सर टोटल बीएससी के सीजीपीए एसजीपीए परसेंटेज कैसे पता करें? आपको परसेंटेज नहीं, मेन नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म डालेंगे वहां पर आपसे पूछा जाएगा आपने कितने में से कितना नंबर पाया। सर एमएससी के साथ डीएलएड कर सकते हैं क्या किसी वे से? एक आप प्राइवेट कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है, डीएलएड हमारा रेगुलर मोड पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर अगर इस ईयर फॉर्म नहीं आया तो नेक्स्ट ईयर कब तक? देखिए फॉर्म आने का नेक्स्ट ईयर संभावना जून से ही शुरू हो जाएगा। 239.5 ओबीसी बिल्कुल चांस बनेगा। सर यूपी डीएलएड में रजिस्ट्रेशन 2024 में क्लोज हो गया है क्या? सर अरे अभी शुरू नहीं हुआ तो क्लोज कहाँ से होगा, अभी आप वेट करिए। सर मेरा 204 नंबर बन रहा है, आपको प्राइवेट मिल पाएगा। 223 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज ओबीसी से थोड़ा मुश्किल है। सर फॉर्म कब फिल होगा, वेट करना है। सर मैं ईटा से 228 पर डायट कॉलेज मिलेगा जनरल, जनरल में बड़ा मुश्किल है तो आप ईडब्ल्यूएस का देख लीजिएगा। मेरा 237.99 है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जी हाँ चांस बन सकता है। सर एप्लीकेशन बहुत ही जल्द शुरू होगा। सर फॉर्म आ गया क्या? अभी नहीं। सर नंबर कैसे ऐड करें, ग्रेजुएशन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का? ठीक है आप देख लीजिए, आपके जैसे हाई स्कूल में 80% है, इंटर में भी 80 है, ग्रेजुएशन में 80 है, सबको जोड़ लीजिए, हो गया 240 नंबर ऐसे, ठीक है। किसी का 204 नंबर बनेगा, किसी का 210 बनेगा, किसी का 200 बनेगा, किसी का 250 भी बनेगा। अब देखिए एक बात और, हम क्या आपको बताना चाह रहे थे, एक वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें टोटल आवेदन या जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ था 4,31,000, 4,09,000 बच्चों ने पेपर दिया, 1,46,000 बच्चे पास हुए। जरा समझिएगा, 1,46,000 बच्चे पास हुए थे, इसमें से बीएड करने वाले छात्र 97,000 थे, जो कि अब प्राइमरी लेवल से बाहर हो गए। ये 1 to 5 से अब बीएड को बाहर कर दिया गया, तो अब बीएड नहीं दिखेगा आपको। तो डीएलएड के 38,000, शिक्षा मित्र 8,000, अदर्स 2,000 बच्चे पास हुए। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि इस वैकेंसी में जो बच्चे सम्मिलित हुए थे ओबीसी से 84,000 थे, एससी से 24,000 थे, जनरल से 36,000 थे, एसटी से 270। तो एक बात ध्यान दे रहे ना आप लोग, एसटी से अगर कोई बच्चा है यूपी में डीएलएड कर रहा, पास भी हो गया, तो नौकरी लग जानी है। अब देखिए हुआ क्या था, शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर सवाल उठाने वाले नेताओं को सीएम योगी ने दिया जवाब। पिछड़ा वर्ग कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में जो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से 18,000 शिक्षक ओबीसी समाज से भर्ती, ठीक है, लेकिन 69,000 में 31,000 से ज्यादा भर्तियां ओबीसी समाज की हुई, ये सब बात थी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती उन्हीं लोगों ने विवादित बनाया जिन्होंने 86 में से 54 एसडीएम एक ही जाति का बनाया। तो यहाँ पर दोस्त ये सब मामला हो रहा था, उसके बाद तो भैया कमेंट की होड़ लग जाती है ओबीसी एससी और जनरल, ठीक है। अब आपको बता दें इस कैटेगरी में, इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी, ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस का भी प्रावधान है, तो जनरल के साथ ईडब्ल्यूएस भी दिखेगा, ओबीसी एससी एसटी सब दिखेगा, ठीक है, वेट करिएगा। कुछ और बातें आप लोग डीएलएड से हटकर भी जानना है, क्योंकि अब जो नौकरी मिलेगी ना, चाहे आप डीएलएड करके नौकरी लीजिए, चाहे ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, अब नौकरी के वैसे आप हकदार हो चुके हैं, ठीक है ना। अब आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद किसी कॉलेज में सीट खाली है और पीएनपी का नोटिस भी आना चाहिए उसको लेकर, तब जाकर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। आवेदन में किसी प्रकार का सुधार नहीं होता, तो फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना है। एज लिमिट में मिनिमम 18 साल उम्र होनी चाहिए। फीस आपकी 700 रुपये रजिस्ट्रेशन लगेगा, 500 एससी एसटी में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम ग्रेजुएशन में 50%, आरक्षित वर्ग में 45%, ठीक है। चलिए डीएलएड करेंगे तो 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करेंगे तो 6 to 8, 9 से 10। अब आपके ऊपर बीएड करना है कि डीएलएड, डीएलएड में 1 to 5 में बड़ी वैकेंसी आती है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।